ऐसे दो एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूँ जो कि रेमनी से भी अलग है, तो जानना चाहते हो? चल 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 चल। तो दोस्तों रेमनी में दिक्कत ये होता था कि रेमनी में आपका कलर ग्रेडिंग हो जाता था, लेकिन इसमें ब्लर भी होता है। ये एप्लीकेशन जो बताए हूँ इसमें ब्लर भी कर सकते हो, प्लस इनहेंस भी कर सकते हो और ऑटो इस मतलब जो है रिमूव भी कर सकते हो सब्जेक्ट को। तो कमाल का एप्लीकेशन आज का वीडियो में बताएंगे। एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, फ्री में जाके वहाँ से डाउनलोडिंग कर लेना है। तो अगर चाहते हो, अगर चाहिए नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन, तो जाइए हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे, दूसरे वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये एप्लीकेशन को। नहीं तो प्ले स्टोर को यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको अच्छा तरीका क्वालिटी मिलता है, सब मोबाइल में सपोर्ट करता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो जानते हैं AI फोटो इन्हेंसर, जो कि ये पहले भी हम इसका ट्यूटोरियल दिया हूँ, उसमें लगभग सब वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो में आपको 10 एप्लीकेशन का रिव्यू किया था, 10 एप्लीकेशन जो कि आपका यूजफुल था। इसमें ऐड दिखाएगा, प्ले स्टोर वर्जन है तो ऐड दिखाएगा, कट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले जो है वीडियो को मतलब सॉरी वीडियो नहीं, आपको फ़ोटो का ऐड करना है, जो कि हम एक भाई का फ़ोटो है और इसको ऐड करते हैं। और उसके बाद इन्हेंस पे जाते हैं, थोड़ा बात करने कहेगा, लोडिंग ऐड होगा, तो इसको बात कर लेते हैं हम। दोस्तों देख सकते हो ये कलर ग्रेडिंग इस तरह से कर दिया, जो कि आपको हम 4x पे दिखाते हैं। अरे 4x, अरे 4x नहीं होता है, जूम चलिए हो रहा है। तो देख सकते इस तरह से बन गया है। और ये भाई एडिटर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंस टेक जॉन जी हैं। तो इस तरह का देख सकते हो बना दिया, टेक्सचर कितना हाईलाइट, कितना पहले मेरा पिक ऐसा था अब ऐसा बन गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद कहेगा वीडियो बात करने के लिए कर लेना है। और उसके बाद इसका और फीचर जानते हैं। तो अभी तो इस एप्लीकेशन का जो है फिलहाल अभी एक ही इन्हेंस फिक्स ये वाला है, तो ये कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो फोटो को। सेकेंड जो एप्लीकेशन है एकदम नेक्स्ट लेवल का, एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का, जो कि आपका ब्लर भी कर सकता है और ऑटो सब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हो और फोटो को रेमनी से भी बढ़िया है और HD क्वालिटी 4K एकदम नेक्स्ट लेवल का कर सकते हो इन्हेंस। तो चलिए कौन एप्लीकेशन है, चलिए क्योंकि एप्लीकेशन नाम है Vivid, VIVID। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो इस तरह से ओपन कर लेना है, जो कि ये देखो इसमें आपको एनिमेशन भी बना सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो और भी इलेजर भी कर सकते हो, कलर कस्टमाइज भी ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं। इसको हम कस्टमाइज पे जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। इस्तेमाल लेते हैं इसको, हम ब्लैक एंड वाइट को पी के ले लेते हैं जो भी है, और ये वाला फिलहाल के लिए ब्लैक एंड वाइट है, इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऐड दिखा, और ऐड दिखा रहा है कि नहीं दिखा, देख सकते हो ये ब्लैक एंड वाइट कुछ इस तरह से था। अब देखो ये कलर ग्रेडिंग करके एकदम नेक्स्ट लेवल का बना दिया। और सेकेंड लेते हैं, अरे भाई उसके बाद सेकेंड लेते हैं, तो ये वाला देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट पूरा है। इसको जाते हैं, अरे बेक करते हैं, ये उस वाले टूल्स पे वर्क करेगा बेक कर। तो ये देख सकते हो ये वाला है, ये आपको इस पर कस्ट कलर ग्रेडिंग होता है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला पे, इस पर टैप करते हैं। तो इस पर टैप करने के बाद जो है आपको ब्लैक एंड वाइट पिक को आप में होगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए हम ये अरिजीत सिंह का ब्लैक एंड वाइट में पिक है, तो आपका भी ब्लैक एंड वाइट में होगा, कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। ये एप्लीकेशन देख सकते हो ये ब्लैक एंड वाइट इस तरह से था और ये कलर ग्रेडिंग इस तरह से बना दिया। तो और भी देखते हैं, और देखो एक मेरा पिक को सेलेक्ट करता हूँ, अपना पिक को, तो कस्टमाइज पे टैप करते हैं। और उसके बाद जो है आपको मेरा जो पिक है ये है, एकदम फुल्ली ब्लैक एंड वाइट है, फुल्ली देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट है। तो इसको हम देखते हैं कैसा ये वर्क करता है, तो हम ये तो पता चल जाएगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, तो वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क एरर बता रहा है, मतलब नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए ये नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद ये कलर तो जोर पे है, कलरिंग जोर इस पर टैप करना है, तो इसमें ये इस तरह का हो जाएगा। आप देखते हैं लेंस ब्लर आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इस वाले पीक को सेलेक्ट करते हैं, अरे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये ब्लर इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर सकते हो ब्लर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, तो बहुत सारा मतलब फिल्टर टाइप का है, देख सकते हो इस तरह से कर सकते हो ब्लर रोड का जैसे, तो काफ़ी मोशन ब्लर, ये ब्लर वो ब्लर, बहुत सारा ब्लर है, आज जाके यूज कर सकते हो। देखो इस तरह से ब्लर हो गया,
तो हम फिलहाल के लिए ये वाला परफेक्ट हमको लगता है ब्लर बुके वाला, तो इसको हम इतना पे रख के आपको डन करके सेव कर लेना है। तो सेव कर लीजिएगा, तो आपको चाहिए एप्लीकेशन ये तो आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ से कर लेना है डाउनलोडिंग। उसके बाद बात रहा इन्हेंस, तो इन्हेंस इस पर टाइप करते फोटो जाते हैं और एक फ़ोटो हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो फिलहाल का ले लेते हैं फ़ोटो। फोटो लेने के बाद ये वाला सर्कल है आपको पूरा कर लेना है इस तरह से, और ये साला क्या कर रहा है, क्रॉप पे जाते हैं और ये सिलेक्शन देख सकते हो एकदम ख़राब किया है एकदम इन्हेंस करने के लिए। इस पर जाते हैं, सेम ही रखते हैं, क्रॉप पे टैप कर लेते हैं, ये सेम रह जाएगा। उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, इस पर इन्हेंस पे टैप कर लेना है, प्रोसेसिंग लेगा, वेट कर लेना है। इस तो देख सकते हो एकदम इस तरह से बन गया है, देख सकते हो नॉर्मल, आपको जूम करके दिखाते हैं तो देख सकते हो इस तरह से, इसमें एडजस्ट भी कर सकते हो, ये कमाल का बात है। देख सकते हो ये पहले था, अब ऐसे हो गया इस तरह से, मतलब दूसरे दो तीन फिल्टर है इसमें, मतलब दो तीन टाइप का है उसमें आपको कर सकते हो, तो इससे इस तरह से लाइटिंग आ जाएगा। उसके बाद ये इसको देख सकते हो ऐसा था ऐसा हो गया, तो कमाल का बना सकते हो, डन करते हैं सेव कर लेना। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ जानने के लिए मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा एनिमेशन है, अगर डिटेल में जाने लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखो यहाँ पे कस्टमाइजर है, लाइट फिक्सर है, लाइट भी फिक्स कर सकते हो, जैसे इस तरह से लाइट है ये बताया गया है तो वो भी कर सकते हो, ब्लर भी कर सकते हो, मैजिक लेजर भी कर सकते हो, रिमूव पर भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें है तो यूज कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो कुछ जाने के लिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना है।